हाथ मत लगाना है साइड में, साइड में हाथ मत लगाना। अंधेरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है पिछले वीडियो का इवनिंग पार्ट का व्लॉग है ये, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है सैनिटाइजर। एक्चुअली मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, लेकिन जब भी निकलती हूँ हाथ में सैनिटाइजर मेरा रहता ही है। कहीं पर भी मैं छूती हूँ या फिर त्रिशा छूती है, मैं तुरंत ही सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कर लेती हूँ। और अभी हम निकले हैं मार्केट के लिए। वैसे तो कुछ खास काम नहीं था, लेकिन घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और त्रिशा के पापा के बिना आज ऑफिस में छुट्टी था, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर से घूम के आते हैं तो फ्रेश फील होगा। और यहाँ का नज़ारा देखिए, दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर। हम लोग ना अभी अभी आए हैं, शुक्र है चले आए। बारिश बहुत जोर की बाहर हो रहा है। हम लोग भीगे थे सर। हाँ। कितना भीगे? ज्यादा। ज्यादा कहाँ, बाल तो नहीं भीगा है। आपने ऐसे थोड़ा बहुत भीगे, देखिए मुझे थोड़ा बहुत हम लोग भीग गए, पर मैंने तो नहीं भीगा। तो अभी थोड़ा सा बाल बाल में सुखा लेती हूँ, फिर चाय बनाएंगे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तंदूरी चिकन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने जो दोपहर को मैरिनेट करके रखा था लेग पीस को, उसको मैंने निकाल दिया है अभी। और उसमें अभी डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का मैरिनेशन वाला जो पार्ट था ना, वो मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर फिर से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर से अभी हम इसे रखेंगे रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन हम बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर में। वहाँ पे चिकन मैरिनेट करके मैंने रख दिया है साइड में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। वही सेम बर्तन में मैं बना रही हूँ जिसमें मैं जनरली दूध उबालती हूँ, क्योंकि आज मैं दूध वाला बर्तन ना साफ़ करने वाली थी, तो इसलिए सोचा कि उसी में ही चाय बना लेती हूँ, तो एक साथ ही मैं धो लूँगी और कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। और उसी में से ही मैंने 1 कप दूध निकाल के रख दिया था त्रिशा के लिए, क्योंकि हम लोग बारिश में भीग के आए थे ना, तो इसीलिए हम तीनों के लिए मैं गरम गरम कुछ बना रही हूँ पीने के लिए। और चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के बाद यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन को गरम कर लिया है, और उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल। और तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसी में ही हम डाल देंगे चिकन लेग पीस को, और जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन बच गया है तो उसको भी हम ऊपर डाल देंगे। और इसको हमें पकाना है लो फ्लेम में, और तंदूरी चिकन को ना पकने के लिए 25 से 30 मिनट लगेगा मिनिमम, क्योंकि हम ये बना रहे हैं पैन में, और पैन में आपको इसे ध्यान से करना है, ढक्कन लगा के पकाना है, नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं अंदर तक। कभी कभी तंदूरी चिकन बहुत ही ड्राई लगता है अंदर से, लेकिन जैसे कि मैंने इसे बहुत देर तक मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो उसी वजह से ये बिल्कुल ही ड्राई नहीं लगेगा और अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा। और आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे पलट रही हूँ, इसी तरह आपको हर 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर आपको इसे पलटना है, क्योंकि जैसे कि हम ओवन में नहीं बना रहे हैं, ओवन में क्या होता है चारों तरफ से ये पकता है, लेकिन जैसे कि हम बना रहे हैं पैन में, तो गैस पे क्या होता है एक साइड से ही पकता है, हीट एक साइड से ही जनरेट होता है, तो हमें इसे हर 2 से 3 मिनट के इंटरवल में पलटना है और चारों तरफ से अच्छे से पकाना है। ध्यान रखिएगा हर 2 से 3 मिनट के बीच में आपको पलटना है और ढक्कन लगा के पकाना है, ताकि हमारी चिकन अंदर तक भी अच्छे से पक सके। Thank you.
और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिशा हमारी रूठ गई है क्योंकि उसको खाना था चिकन, लेकिन मैंने उसे दूध दे दिया है गर्म दूध पीने के लिए, तो इसीलिए वो रूठ गई है और त्रिशा के पापा उसको मनाने में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे चिकन तंदूरी बन के रेडी हो गया है, दिख रहा है ना, बहुत ही टेम्प्टिंग। अभी ये एक्चुअली पूरा रेडी नहीं हुआ है, इसका फाइनल स्टेप अभी बाकी है। मैं इसमें देने वाली हूँ स्मोकी फ्लेवर, लेकिन मेरे पास ना कोयला वगैरह कुछ भी नहीं है स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ अलग तरीके से स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। और ये ना मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, पहले मैंने स्मोकी फ्लेवर देने की कोई भी ट्राई नहीं किया है, पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और उसमें मैंने रख दिया है स्टील का एक छोटा सा कप, और आप देख सकते हैं ये है ना सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा है, उसको मैंने जला लिया है अच्छे से और वही कप में मैंने डाल दिया है। और वो आप देख सकते हैं बहुत ज़ोरों की जल रहा है, तो इसमें मैं तेल नहीं डाल सकती अभी, नहीं तो ये और ज़ोर से भी जलने लगेगा। तो इसको मैं अभी बुझा दूँगी, मैंने सोचा था कि ये अपने आप ही बुझ जाएगा, लेकिन नहीं बुझा, इसको मैं अभी खुद से ही बुझा दूँगी और उसी में ही मैं तेल डाल दूँगी, क्योंकि घी अंदर था, मुझे लाने में टाइम लग गया, तो इसी हिसाब से मैंने ना पास में मेरे तेल था तो तेल डाल दिया। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्मोक निकल ही रहा है, जितना भी स्मोकी हो सके। और आपको कैसा लगा ये ट्रिक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप अपने घर पे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए क्या करते हैं, जब आपके पास कोयला या फिर कोई लकड़ी वगैरह अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। हाँ, और वैसे तो पता नहीं चल रहा था कि स्मोक निकला है कि नहीं, लेकिन मैंने जब बाद में वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, थोड़ा बहुत स्मोक तो निकला ही था। और तंदूरी चिकन को सर्व करने के लिए मैंने प्याज को लच्छे में काट लिया है और उसके साथ हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म तंदूरी चिकन। आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या है ये? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन। त्रिशा को देख के आपको पता ही लग गया होगा कि चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुका है। और आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी और ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।